रेलवे में एलपीओ टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर देखिए पटना में छात्रों ने जो कहा था कि 27 तारीख को हम फिजिकल प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसको लेकर पटना के मुसल्लापुर हाट आ चुके हैं छात्र और यहां से अभी कहां निकलेंगे, क्या इन लोगों की प्लानिंग है, चलिए जानते हैं। कहीं ना कहीं 29 तारीख को मीटिंग बोर्ड की होने वाली है शिक्षकों के साथ, तो उसके बावजूद छात्र 27 तारीख को रोड पर आ चुके हैं। चलिए इन लोगों से जानते हैं, एक मिनट, क्या मांगे थी आप लोग की और 27 तारीख को आप लोग आ रहे हैं जबकि 29 तारीख को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। जैसा कि हम लोग का मतलब स्टार्टिंग से 6 साल से लगभग यहाँ पे हम लोग रह के तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक ये ही उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी, कल आएगी। अब हम लोग का उम्र भी बिल्कुल लास्ट का गार पे है, अब हम लोग जाएंगे भी तो कहाँ जाएं, और घर भी अगर हम अपने घर भी जाते क्या मुंह दिखाएंगे गार्जियन को। अब तो हमने घर के रहने घाट के रहे, अब इस हालात में जो हम लोग का यहाँ तो पटना के टीचर के लोगों का यहाँ के सचिव जो महासचिव है उन लोग बुलाया, रिजल्टेंट क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। इन लोग बस बोला कि विचार किया जाएगा। 29 तारीख को फिर से बुला रहे हैं, 29 तारीख को मुंबई के, ये सब सब जुमला है ताकि स्टूडेंट को बरगराया जाए कि 29 तारीख को आज बुलाएगा मुंबई, 31 तारीख को बुलाएगा जम्मू कश्मीर, 2 तारीख को बुलाएगा कोई और, इस तरह से जाएगा और डेट खत्म होने के बाद ये सब छात्रों को सिर्फ गुमराह किया जाता है। मांग है कि एलपी भर्ती 5000 सीट बढ़ाया जाए, 5000 को कितना बढ़ाया, एटलीस्ट कम से कम 60000 बोला था। पिछली बार 64000 वैकेंसी आई थी, 64000, इस बार कम से कम 6 साल पर दे रहे हैं, 60000 तो दीजिए। वैकेंसी को 1 लाख तक बढ़ाया जाए, टेक्नीशियन को ऐड किया जाए, ग्रुप डी को ऐड किया जाए, ग्रुप डी लेवल 1 जो सेफ्टी के लिए। आप लोगों ने अगर नोटिस देखा होगा तो नोटिस में एक चीज लिखा हुआ, थोड़ा पीछे हो जाइए, नोटिस में एक चीज लिखा हुआ है, एक मिनट, नोटिस में एक चीज लिखा हुआ है कि छात्र और शिक्षकों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेकर, तो इसे दूर करेंगे, वो तो इसे दूर करेंगे, वैकेंसी बढ़ाने की इसमें बात नहीं है। 5000 में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बिना चार समझा लग जाएगा तो फिर वो नहीं करने देंगे, गुमराह करे। हमको कहने का मतलब है कि मिस अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, 18 में बहाली आई थी, 18 के बाद आज कितने 2024 हो गया, 6 साल में कितने वैकेंसी के बाद में भी भर्ती आ चुकी है, इनसे ज्यादा तो यूपी पुलिस में करेगा। और रेलवे सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है तो इसके लिए भर्ती और रिक्रूटमेंट बोर्ड को तो सोचना चाहिए कि हम क्या। देखिए देखिए 29 तारीख को मीटिंग है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षक भी बोल रहे हैं कि 29 के बाद, और आप लोग बोले थे कि 27 को हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, तो अभी आप लोग निकलेंगे। आज जो है पटना के भी टीचर लोग गए थे, कोचिंग वाले टीचर लोग गए थे मीटिंग में, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ कुछ सकारात्मक चीजें बाहर निकल के आएगी, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे दूसरी बार जब हमारे टीचर गए वहाँ पे मिलने के लिए, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि महासचिव नहीं है, दिल्ली चले गए कहीं है, कोई मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएंगे, बस हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से फिजिकल प्रोटेस्ट लग रहा है। आप लोग 27 तारीख को फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं और ये मैसेज पूरे इंडिया के बीच सर्कुलेट है, पूरे इंडिया में सभी छात्र शिक्षकों के बीच, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा ट्विटर कैंपेन हुआ तो सभी के बीच ये मैसेज सर्कुलेट, और इतनी कम संख्या में आप लोग जाएंगे। 20 लाख कहना चाहेंगे कि भाई लोग घर पर बैठ के ट्वीट मत करो, आओ फिजिकल प्रोटेस्ट में हिस्सा लो, तब हम लोग एक होंगे, तब ये रेल सरकार हम लोग से डरेगी, मंत्री डरेंगे, नहीं तो वैकेंसी नहीं देने वाली होगी, ट्वीट करते रह जाओगे। पिछले बार भी जब एनटीपीसी की बहाली आई थी तो हम लोग ट्वीट किए, कुछ नहीं हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, तुरंत इस पे एक्शन लिया गया। इसी तरह हम लोग भी अभी फिजिकल, हम लोग का ट्विटर पूरा डिलीट कर दिया है। आप लोग के जो नेतृत्वकर्ता अभी तक जो हमें दिखा है कि आपके जितने भी शिक्षक हैं उन्हीं लोगों ने आप लोग को गाइड किया कि आगे क्या करना, नहीं क्या कहेंगे अपने गुरुजनों से? नहीं नहीं, टीचर लोग खुद कर रहे हैं, लीडर क्या करेगा, कोई टीचर हम लोग का भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का साथ कोई नहीं देगा क्योंकि हम लोग खुद तैयारी कर रहे हैं और हम ही लोग लड़ना होगा। तो छात्रों से क्या कहेंगे, आपके आपके जो दोस्त घर पे बैठे हुए उसको क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे भाई आओ, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अभी अभी क्या करने जा रहे हैं आप लोग, अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग राजेंद्र नगर जा रहे हैं, लोगों के साथ आएंगे, इतने 250 लोग हैं, सब राजेंद्र नगर जा रहे हैं, जाना है। एक मिनट, अगर वहाँ पे आप लोग को पुलिस की लाठी पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है,
पड़ेगी एक मिनट, उनका भी बाल बच्चा आने में आने वाला समय में रेलवे का तैयारी करेंगे तो वो क्या फिर करेंगे, वो क्या करेंगे? हमको कहने का मतलब है ठीक है, पुलिस की लाठी भी खाने के लिए तैयार। क्यों 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 धाने का ऐसे भी तो पेट पर जो उन लोग ने लात मारा उससे अच्छा है कि हम लोग लाठी खाएं, पेट की मार से अच्छा है कि हम लोग लाठी खाएं। अब रुकने वाले क्यों खाना, जब हम लोग अपने आजादी के लिए जब आवाज उठा रहे हैं, हम लोग कोई हिंसात्मक के काम तो कर नहीं रहे कि जो पुलिस हम पे लाठी चार्ज करेगा। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें लाठी चार्ज करने की कोई बात ही नहीं। मांगों को रख रहे हैं सरकार से, क्यों रख रहे हैं? इससे पहले ट्वीट किया गया, इससे पहले 20 लाख ट्वीट किया गया, 20 तारीख को ट्वीट किया गया, ट्विटर का बात को बताया गया, उसका बाद हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं छात्रों का कहना है कि ये लोग अब नहीं मानेंगे किसी लीडर, किसी शिक्षक को, ये लोग आगे नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और यहाँ से इन लोगों का बिगुल बज चुका है और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को जहाँ जाना है जा रहे हैं। बाकी छात्रों से भी आह्वान कर रहे हैं कि इसमें शामिल हो। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं आप इस पूरे आंदोलन और इस पूरे वैकेंसी के माध्यम से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, इस पूरे मामले को कवरेज आपको लाइव दिखाएंगे ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।